हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ अमृता मिश्रा। आज मैं आपके लिए बैगन की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी लेके आई हूँ। इसको बघारे बैगन भी कहते हैं, बैगन मसाला भी कहते हैं। और ये मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। इसका टेस्ट एकदम अलग है, इसकी प्रिपरेशन भी एकदम अलग है। तो आइए सीखते हैं अपनी रेसिपी। और प्लीज़, अगर आपको रेसिपी पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक करना एकदम ना भूला करें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो इस रेसिपी में मसाले थोड़े अलग टाइप के पड़ते हैं और ये छोटे वाले बैगनों से बनते हैं। तो ये लगभग 300 ग्राम बैगन होंगे छोटे वाले। और इसके लिए हमें लगेगा ये 3 चम्मच मैंने मूंगफली ली है, और इसमें लिया है मैंने 1.5 चम्मच सूखा नारियल, और 1.5 चम्मच मैंने तिल लिए हैं सफेद वाले, और 1/2 चम्मच खसखस लिया है, पॉपी सीड भी इसको कहते हैं, पोस्ते का दाना भी कहते हैं इसे। अब ये मूंगफली को लेके हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है सबसे पहले, और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही ड्राई रोस्ट करना है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं करना है। तो सबसे पहले हम मूंगफली को ड्राई रोस्ट करके निकाल लेंगे। देखिए मूंगफली ने कैसे कलर चेंज कर दिया है। तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको हमें थोड़ा ठंडा होने देना है, तब हम इसके छिलके उतार लेंगे। देखिए मूंगफली को भुनने में टाइम लगता है, लेकिन तेल, नारियल, खसखस ये सब बहुत ही जल्दी हमारे ड्राई रोस्ट हो जाते हैं। तो हम एक साथ इसको ऐड कर देंगे और एकदम लो फ्लेम पे इसे भुनेंगे, वरना ये बहुत जल्दी भुन जाते हैं। तो एकदम लो फ्लेम पे हम इसे भुनेंगे, और जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज होगा तुरंत हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, वरना ये कढ़ाई की गर्मी से जलने लगते हैं। तो ये बात इसमें ध्यान रखिएगा। देखिए लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, 2 से 1.5 मिनट हो चुके हैं, कलर इसका कैसा लाइट ब्राउन आ गया है। तो हम तुरंत इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए ये मैंने निकाल लिया है तिल, नारियल और खसखस को एक प्लेट में। अब ये जो मूंगफली है ये थोड़ी थोड़ी ठंडी होने लगी है, तो इसका छिलका हम उतार के इसको रेडी कर लेंगे। और ये अभी से इसमें ये जो खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, तो सब्जी तो अच्छी बननी है। यही सब इंग्रेडिएंट्स इस सब्जी को बहुत ही ज्यादा स्पेशल और एकदम अलग टेस्ट देते हैं। देखिए मूंगफली का छिलका उतर गया है, तो एक जार में मैं इसको लेके शिफ्ट कर दूंगी, और ये जो तिल, नारियल और खसखस जो मैंने रोस्ट किया था वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। और इन सब का हमें एक पेस्ट बना के रेडी कर लेना है, और इसमें हम बहुत थोड़ा सा पानी लेके ऐड कर देंगे और इसका पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। इसका पेस्ट बना के मैंने रेडी कर लिया है, और अगर ये थोड़ा कोर्स हो तो कोई बात नहीं, ये और अच्छा लगेगा। और यही हमारी सब्जी का बेस होगा, यही इस सब्जी को बेस प्रोवाइड करेगा। देखिए अब हमने बैगन ले लिए हैं, तो अब इसे हमें कैसे तैयार करना है। इसको पहले मैंने एकदम साफ धुल लिया है। अब इसे हमें क्या करना है, ये इसकी डंठल आप एकदम ना तोड़ें, और इसमें छोटे वाले बैगन का ही यूज करें, और इसको पीछे से लेकर के एक कट देना है, और फिर एक कट और देना है, यानी प्लस के साइन जैसा आपको बनाना है। और एक बार आप ये भी इसमें चेक कर लीजिएगा कि कोई कीड़े वगैरह ना हो। तो ऐसे ही ऐसे करके हम अपने सारे बैगन रेडी कर लेंगे। एक कट लगाइए, उसके बाद एक कट लगाइए, और ऐसे ऐसे करके सारे बैगन रेडी कर लेंगे हम लोग। ये बैगन मैंने रेडी कर लिए हैं, और कढ़ाई में मैंने तेल भी ले लिया है, तो अभी इसे हमें फ्राई करना है। इसीलिए मैंने इसमें 4 बड़े चम्मच ऑयल लिया है, और ये मैंने अभी सरसों का तेल लिया है। आप चाहें तो कोई भी ऑयल इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसे अब हम फ्राई कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और इसको हमें हल्के हाथों से चलाते हुए फ्राई करना है, क्योंकि ये बैगन है ये थोड़े डेलिकेट होते हैं। और ये लगभग 80% फ्राई हो जाए उससे हमें इसे फ्राई करना है, पूरा ओवर कुक नहीं करना है, 80% तक हमें इसे फ्राई करना है। बाकी जो वो बैगन है वो रेसिपी में अपने आप पक जाएंगे आगे। देखिए बैगन को लगभग मैंने 5 से 6 मिनट तक फ्राई किया है,
और ये लगभग 80% तक फ्राई हो चुके हैं। तो हम इन्हें प्रेस करते हुए एक प्लेट में निकालेंगे कि जिससे एक्सेस ऑयल सारा कढ़ाई में ही रहे। कढ़ाई में एक्स्ट्रा ऑयल बचा है तो इसमें से मैं लगभग 2 चम्मच ऑयल निकाल लूंगी और लगभग 1.5 चम्मच इसमें छोड़ दूंगी। तो ये देखिए, इन्हें मैंने फ्राई करके रख लिया है और ये कितने सुंदर दिख रहे हैं। कढ़ाई में लगभग 1.5 चम्मच ऑयल है और इसमें अब मैं थोड़े खड़े मसाले ऐड करूंगी। तो 1/2 चम्मच साबुत जीरा है, 2 चुटकी हींग है और ये 2 इलायची है, उसे मैंने खोल लिया है। थोड़ी सी जावित्री है, 4 लौंग है, 1/2 इंच दालचीनी का होगा, 1/4 चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है, 1 लाल मिर्च है और इसको लेके हम उसका तड़का लगा देते हैं बाहर। और ये जब थोड़ा चटक जाएगा तब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। देखिए, तड़का अच्छे से चटक चुका है तो अब हम इसमें 2 बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे और इसे लगभग गुलाबी होने तक हम पका लेंगे अच्छे से, जब तक इसमें गुलाबी कलर ना आ जाए। ये प्याज गुलाबी होने लगी है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे करी पत्ता। करी पत्ता इसमें जरूर ऐड करें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसे भी लगभग 1/2 से 1 मिनट तक हम इसमें पका लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी हम लगातार चलाते हुए लगभग 2 मिनट तक भून लेंगे जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े सूखे मसाले, तो 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 3/4 चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का यूज किया है, 1/2 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला मैंने इसी स्टेज पे ऐड कर दिया है। इसे भी लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे जिससे ये मसाले का कच्चापन निकल जाए। बहुत ही थोड़ा सा हम इसमें पानी 1 से 2 चम्मच ऐड कर देंगे जिससे मसाले जले नहीं। तो यहाँ पे मैंने 1 से 2 चम्मच पानी ऐड कर लिया है। अब इसे लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे और इसी स्टेज पे अब हम नमक भी ऐड कर लेंगे। तो नमक मैंने इसी स्टेज पे मसाले ऐड करने के बाद जस्ट ऐड कर दिया है और ये आप स्वाद अनुसार ऐड करें। तो मिक्स कर लें अच्छे से। ये देखिए, इसे मसाले कैसे अच्छे से रच बस गए हैं। हम इसमें ऐड करेंगे ये इसका बेस जो है इस सब्जी का, वो ये पेस्ट जो मैंने बना के रेडी किया है ये इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी हम इसमें लगातार चलाते हुए भून लेंगे अच्छे से। इसमें ये जो थोड़ा सा बचा हुआ है तो इसमें थोड़ा सा पानी लेकर के इसको अच्छे से इसको धुल के इसमें ऐड कर देंगे। इसे भी हमें लगातार चलाते हुए इसमें पका लेना है जब तक ये ऑयल ना रिलीज करने लगे। लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे इस मसाले को अच्छे से पका लें। ये मूंगफली, तेल, नारियल, इन सब में अपना ऑयल होता है तो जब हम इसे भूनते हैं तो अपने आप इसमें से ऑयल रिलीज होने लगता है। तो इसका खुद का भी ऑयल ये है, तो ये देखिए ये ऑयल रिलीज करने लगा है। तो ये इंडिकेशन है कि मसाला हमारा एकदम से बन के रेडी है। अब ये 2 हरी मिर्च थी, इसे मैंने लंबाई में काट लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको जरूर ऐड करें। लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो जैसी आपको ग्रेवी चाहिए आप उस अनुसार इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो पहले मैंने इसमें 1 गिलास भर के पानी ऐड किया है, थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूंगी इसमें, थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूंगी, लगभग 1/4 कप और ऐड करूंगी। तो लगभग मैंने 1/4 ग्लास इसमें पानी ऐड किया है। अब हम इसमें एक बहुत ही अच्छा सा उबाल आने देंगे, उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है इमली का पानी और ये इसका बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो 1 लेमन साइज की इमली थी, ज्यादा इमली का आपको यूज नहीं करना है, बहुत ही थोड़ी सी इमली का आपको यूज करना है। तो लेमन साइज की इमली थी, इसे मैंने 1/2 घंटा पहले भिगो दिया था, फिर उसके बाद मैंने इसका पल्प निकाल लिया है और इसको छान लिया है जिससे इसके कोई रेशे ना रह जाएं। तो ये इमली का पानी है, ये जब इसमें बॉयल आने लगेगा तब मैं इसमें ऐड करूंगी। देखिए, ग्रेवी में बहुत ही अच्छा उबाल आ चुका है तो अब हम इसमें इमली का पानी लेके ऐड कर देंगे और इसको फिर थोड़ा सा और अच्छे से पकने देंगे। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें आपको बहुत ज्यादा इमली का यूज नहीं करना है, बस 1 लेमन साइज की इमली लेनी है थोड़ी सी, उसको पानी में भिगा के फिर उसका पानी आपको यूज करना है। बहुत ज्यादा आप लोग यूज करेंगे तो ग्रेवी खट्टी भी हो सकती है
और अगर मान लीजिए ग्रेवी अगर थोड़ी सी खट्टी हो गई, अगर आपको उसको बैलेंस करना है तो आप इसमें थोड़ा सा शुगर या जैगरी लेके ऐड कर सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि खट्टापन सब्जी में बैलेंस हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आपको ग्रेवी में खट्टापन ज्यादा हो गया हो तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी या गुड़ लेके ऐड कर सकते हैं, तो खट्टापन तुरंत बैलेंस हो जाता है। तो अब हम इसमें ये जो बैगन मैंने फ्राई करके रेडी किए थे ये हम इसमें ऐड कर देंगे, एक एक करके ऐड कर दें। और ये ऑलरेडी फ्राइड है तो अब इन्हें पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम इसको ढक के लो फ्लेम पे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे कि जिससे ये जो ग्रेवी है ये बैगन के अंदर तक चली जाए। तो अब हम इसे ढक देंगे। इसे 7 मिनट हो गए हैं, इसका ढक्कन मैंने हटा दिया है। एक बार आप चेक कर लें कि बैगन अच्छे से पके हैं कि नहीं। मैंने चेक कर लिया है, बैगन अच्छे से पक चुके हैं। तो लास्ट में हम इसमें धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम अब हम बंद कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। मिक्स कर लें धनिया की पत्ती को भी। तो फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही टेस्टी बघारे बैगन की रेसिपी बनके रेडी है। आप भी रेसिपी बना के जरूर ट्राई करें और लोगों की वाहवाही पाएं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को तुरंत लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, बाय।